सब्सक्राइब कीजिए अमनदीप फिटनेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूट्रिशन एंड फिटनेस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस एंड वेलकम टू अमनदीप फिटनेस। गाइस, टोफू और पनीर में चॉइस बनाना कि कौन हेल्दियर है बिटवीन द टू इजी हो सकता है अगर आपको इनमें डिफरेंस पता हो। वो टोफू और पनीर के अपने न्यूट्रिशनल एडवांटेजेस हैं। चलिए इसे बेटर वे में समझते हैं। गाइस, वो पर्सन जो अपनी डाइट को मॉनिटर नहीं करते और कैलोरीज को काउंट नहीं करते, उनके लिए टोफू और पनीर से एक चूज करना सिर्फ टेस्ट पर मैटर करता है। बट वो लोग जिन्होंने एक फिटनेस गोल सेट किया हुआ है टू अचीव वेट लॉस, वेट गेन, मसल बिल्डिंग या डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो फॉर स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल इनटेक, उनके लिए चॉइस बिटवीन टोफू और पनीर बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, हेल्दियर का लिटरली ये मीनिंग नहीं है कि वन इज़ हेल्दी एंड द अदर इज़ जंक। ये सिर्फ एक इन्फॉर्म्ड चॉइस बनाना है बिटवीन टोफू वर्सेस पनीर, कीपिंग इन माइंड कैलोरिक वैल्यूज़, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स एंड फिटनेस गोल्स। चलिए कुछ ऑप्शंस के बारे में जानते हैं जो हेल्प करेंगे टू मेक ए चॉइस बिटवीन टोफू एंड पनीर। नंबर वन, मोर प्रोटीन। टोफू में मोर प्रोटीन होता है देन पनीर, जिसकी वजह है द कम्प्लेक्स प्रोसेस जिससे ये बनता है। टोफू मोर प्रोटीन रिटेन करता है देन मॉडरेट प्रोटीन कॉन्टेंट जो पनीर में होता है। नंबर टू, मिल्क एंड सोया। अगर आपको सोयाबीन से एलर्जीज है तो आप टोफू को अवॉइड करें और पनीर को यूज़ करें। टोफू सोया मिल्क से बनता है और पनीर होल फैट मिल्क या कव मिल्क से बनता है। हाउएवर, अगर आप वैगन हैं तो आप टोफू को चूज़ करें जो एक वन ऑफ द बेस्ट वैगन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। नंबर थ्री, कैलरी वैल्यू। पनीर में ओवर 300 कैलरीज होती हैं पर 100 ग्राम, जिसमें 200 कैलरीज इसके फैट कंटेंट से आती हैं। टोफू में लेस देन 100 कैलरीज होती हैं पर 100 ग्राम और इसमें नो एडिड फैटी कैलरीज होती हैं। नंबर फोर, ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल। टोफू में ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल होता है वेयर एज पनीर में अप टू 90 mg कोलेस्ट्रॉल होता है पर 100 ग्राम। नंबर फाइव, न्यूट्रिशनल वैल्यू। टोफू में नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं अदर देन कैल्शियम, जैसे कि अमीनो एसिड्स और विटामिन B1। पनीर में भी कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है। गाइस, एक हेल्दी चॉइस बिटवीन टोफू वर्सेस पनीर का मतलब है एक इन्फॉर्म्ड फिटनेस डिसीजन, ना कि ये कि एक हेल्दी है और दूसरा जंक फूड है। और एक इवन स्ट्रॉन्गर डिसीजन और बेटर रिजल्ट के लिए आप किसी भी डाइटिशियन और किसी जनरल फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं और एक पर्सनलाइज डाइट प्लान ले सकते हैं जो आपकी बॉडी और लाइफस्टाइल को सूट करे। गाइस, अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें अमनदीप फिटनेस, ताकि आप और ऐसी वीडियोस के बारे में जान पाएं। टिल देन, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।